एक माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है PWA बिल्डर। वैसे तो PWA के लिए ना आपको दो फाइलें बनानी होती है। अच्छा अभी इधर हो जाओ, गौर से इधर तवज्जो से सुनो, बातें नहीं करो, ठीक है? जो नहीं बना है अभी दो मिनट में बन नहीं जाएगा, तो बंद करो अपनी अपनी स्क्रीन, इधर देखो। PWA जो है उसके लिए हमें वैसे दो फाइलें लिखनी होती हैं, एक सर्विस वर्कर होता है, एक मैनिफेस्ट होता है, ठीक है? दो फाइलें लिखनी पड़ती हैं, वो हम हाथ से भी लिख सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट सारे रखे हुए हैं। अगर आप जाओगे ना मोज़िला की डॉक्यूमेंटेशन में, आप लिखोगे कि manifest.json और साथ में आप लिखोगे ना इसमें MDN, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप खुद से भी लिख सकते हो, राइट? ये इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि यार अभी ना क्या क्या हो सकता है मैनिफेस्ट के अंदर, यहाँ से आप देखते जाओ लिखते जाओ। लेकिन जो आपका ये प्लेटफॉर्म है ना, कुछ इस तरह का बनता है, वो जेसन फाइल होती है। तो ये इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया है, उसको क्लिक क्लिक में कर दिया, सारी चीज़ें सेम है, इसमें से आसानी से बन जाता है, जस्ट इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं इसको। अच्छा, अगर आप अपनी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन जो लास्ट क्लास में भी हमने जो बनाई थी, और शुरू से जितनी भी हमने ऐप्स बनाई हैं रिएक्ट की, उसका अगर आप SRC खोलेंगे ना, सॉरी ये पब्लिक का फोल्डर खोलेंगे, तो इसमें आप देखिए एक manifest.json के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई होती है पहले से, ठीक है? तो ये दो फाइल रिक्वायर्ड होती हैं आपको, और इन्हीं दोनों फाइलों में सारा गेम चलता है आपका। तो इसमें आपका एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन के आइकॉन, क्योंकि जाहिर है मोबाइल ऐप के तौर पर जब इंस्टॉल होगी ना ऐप, तो एक आइकन तो चाहिए जो मेन्यू में स्क्रीन पे शो होगा कि इस पर क्लिक करने से आपकी ऐप खुलेगी। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपको। तो हम अब चलते हैं ज़रा इधर, और यहाँ जाके हम क्या करते हैं, दो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। एक है स्टार्ट न्यू PWA, लुकिंग टू बिल्ड अ न्यू प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, चेक आउट ऑल द डॉक्यूमेंटेशन हेयर। और एक है यूज़ डेव टूल, यूज़ आवर डेव टूल फॉर VS कोड। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है? तो इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अच्छा, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये आ रहा है कि कोई बनी हुई वेब एप्लीकेशन आपकी है जो ऑलरेडी PWA है, उसका URL लिखें, स्टार्ट का बटन दबाएं, आपको वो APK फाइल, ये तीनों प्लेटफॉर्म का ना आपको वो फाइल बना के दे देगा जो स्टोर पे अपलोड होती है, ठीक है? तो फिलहाल तो हमने ये नहीं करना, फिलहाल हमने पहले PWA बनाना है अपनी एप्लीकेशन को, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर APK बना लेंगे। स्टार्ट अ न्यू PWA, ठीक है भाई, क्या बताया जा रहा है यार, ये मैं गलत आ गया क्या? नहीं, मैं गलत आ गया। इसमें यार पेज आता है, उसमें वो बोल रहा होता है कि भाई सेलेक्ट करो सब कुछ। नहीं यार, वो पता नहीं, मैं गलत खोल रहा हूँ पेज शायद। एक काम करता हूँ, मैं पहले इस ऐप को चला के इधर URL डालता हूँ, शायद वो URL जहाँ पे डाल रहे हैं ना वही वाली जगह है। असल में ये CD5 टैब, CD6 टैब और CD web, NPM install। अच्छा, ये मैंने लोकल होस्ट 3000 मेरे पास आ गया, तो मैं ये वाला URL ज़रा इसको जल्दी से दे के ट्राई करता हूँ कि ये क्या कहता है। ओके, यही वाला है, सही है, यही वाला है, ऊपर वाला नहीं है, ऊपर वाला डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे मैं URL डालना होगा। अच्छा, फिलहाल के लिए हमारी जो ऐप है वो कहीं पे होस्ट नहीं हुई भी है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, इस ऐप को होस्ट कर लेते हैं। होस्ट कैसे करेंगे हम, सर्च में कर लेते हैं, आसान सा, npm run build, ठीक है? npm run build के बाद हमने क्या किया, बहुत स्लो चल रहा है, और उसके बाद मैं सर्च लिखना होता है ना सिर्फ, क्या करना होता है, सर्च डिप्लॉय, सर्च ही होता है सर शायद,
ठीक है, सर्च लिखा मैंने और एंटर कर दिया। एक होस्टिंग है, एक जैसे नेटलीफाई होस्टिंग है ना, इसी तरह सर्च भी है। mypwa.search.sh देखते हैं अरे नहीं ये अवेलेबल नहीं, क्या होता है सर्वर, क्या सर्च पे पता नहीं, नहीं होता मेरे ख्याल, ये स्टेटिक होस्टिंग है ना, फ्रंट एंड वाला है। चलो जो यू आर एल दे रहा है उसी पे ले लेता हूँ यार, ठीक है, नॉटी ब्रीथ डॉट सर्च डॉट एस एच है। यू डू नॉट हैव परमिशन टू दिस दिस दिस, क्यों नहीं भाई, तो सजेस्ट क्यों कर रहा है, अगर सजेस्ट रनिंग एज दिस दिस दिस। हाँ नेटलीफाई पे कर लेते हैं, हाँ साइक्लिक का भी डाल सकते हैं यार, ये क्यों एरर दे रहा है, सर्च एंटर। ये मुझसे इसने बात पूछा, मैंने कहा स्लैश बिल्ड एंटर अकॉस्टिक रेस्ट डॉट सर्च, इस पर मैंने एंटर किया तो अब ये क्या, अच्छा अब हो गया, पता नहीं ऐसे ग्लिच था मेरे ख्याल में। अच्छा भाई तो अब मैंने ये वाला यूआरएल कर लिया कॉपी, अब मेरी जो करंट वेब एप्लीकेशन है जो कि चल भी रही है, अभी मैंने रोक दिया था दोबारा चला देता हूँ, ये होस्ट हो चुकी है। अब जब मैं यहाँ पे यूआरएल लिखकर, ये मेरी एप्लीकेशन क्या हो गई है, यहाँ पे चल रही है, और ये इस यूआरएल पे भी सेम एप्लीकेशन चल रही है, राइट, ये यूआरएल है मेरा और ये मेरी ऐप चल रही है। पी डब्ल्यू ए बिल्डर पर गया, इसमें ये यूआरएल पेस्ट किया, स्टार्ट का बटन दबाया, तो ये क्या करेगा, मेरे इस वेब एप्लीकेशन को एनालाइज करेगा, आया कि ये पी डब्ल्यू ए है या नहीं है, और फिर मुझे सारे ऑप्शंस दे देगा वो पी डब्ल्यू ए बनाने के, इसी ऐप को पी डब्ल्यू ए कैसे बना सकता हूँ। हाँ पता नहीं, वो मैंने एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया, यहीं से हो जाता है यार, एक्सटेंशन की क्या ज़रूरत है, करके देखना तुम, बताना फिर, रिव्यू देना, किया तुमने यूज़, अच्छी बात है, मुझे भी सिखा देना नहीं ज़रूरी थोड़ी है मैं ही सिखाऊँ, मैं तुमसे भी सीख लूँगा थोड़ी सी, क्या होगी। अच्छा देखो अपना ये कुछ एक्शनेबल चीज़ें मुझे बता रहा है, एक्शनेबल डिटेल दे रहा है, कह रहा है कि सर्विस वर्कर नहीं है, ऐड सर्विस वर्कर टू बेस पैकेज, ठीक है, नॉट फाउंड डिडक्शन टेस्ट टाइम आउट, कह रहा है कि सर्विस वर्कर मुझे नहीं मिला, टाइम आउट हो गया, मैंने चेक करने की कोशिश की, नहीं मिला। अच्छा मैनिफेस्ट, दो चीज़ें होती है ना, सर्विस वर्कर एक मैनिफेस्ट, तो पहले हम बनाते हैं मैनिफेस्ट, सर्विस वर्कर बनाएंगे हम सेकंड पे। अच्छा मैनिफेस्ट एक फाइल होती है और सर्विस वर्कर भी एक फाइल होती है, इन दोनों फाइल में ही सारी गेम चल रही होती है। अभी मैनिफेस्ट के अंदर क्या क्या होता है वो अभी आ रहा है वो सामने, सही है। तो मैनिफेस्ट के बारे में ये कह रहा है कि इसमें 25 में से 11 कुछ है बाकी नहीं है, और यहीं पे ऑप्शन आ रहा है कि एडिट योर मैनिफेस्ट, ठीक है, एडिट योर मैनिफेस्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो इसने क्या खोल दिया मेरे सामने, एक स्क्रीन खोल दी है जहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, पहले से मेरे मैनिफेस्ट में जो कुछ था ना वो पहले से ही लिखा हुआ रहा है यहाँ पे। अभी मेरी मैनिफेस्ट कहाँ गई, यहाँ पे खोला करा मैंने, ये मेरी मैनिफेस्ट है ना, देखो नेम इसमें क्या आ रहा है, शॉर्ट नेम क्या आ रहा है, आइकन्स जो आ रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें, जो थीम कलर, बैकग्राउंड कलर, देखो सब कुछ इसने यहाँ पे एज इट इज़ पकड़ लिया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस नाम को मैं चेंज कर लूँगा, क्या है मेरी ऐप का नाम, क्या रखो नाम तुम लोगों को दिया, चलो क्या नाम रखा जाए, ईकॉम क्रड, सही है, ईकॉम क्रड रख दिया, शॉर्ट नेम मैंने रख दिया ईकॉम जस्ट। अच्छा ये नेम और शॉर्ट नेम, ये जाहिर है जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं या कहीं पर खोलते हैं तो दोनों नामों की ज़रूरत होती है, जहाँ पे जगह बिल्कुल कम होती है वहाँ पे शॉर्ट नेम आता है, जहाँ पे जगह ज़्यादा होती है वहाँ पे पूरा नाम आता है। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बातें लिख दी, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और थीम कलर, बैकग्राउंड कलर वो होता है कि जब कुछ नहीं होगा आपकी ऐप में तो क्या दिखेगा, बाई डिफ़ॉल्ट वेब एप्लीकेशन में बैकग्राउंड कलर क्या होता है, वाइट होता है, ठीक है, तो वाइट पेपर के ऊपर आप बना रहे होते हैं, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब डिपेंड नहीं करता कि आप, ऑप्शन है मतलब आपके पास,
तो आप इसको वाइट के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं इन केस ऑफ मोबाइल ऐप, ठीक है। अच्छा, जितने भी यहाँ पे आइटम्स है ना, जैसे थीम कलर है, अब थीम कलर क्या होता है आपको नहीं पता, तो कह रहे हैं कि इधर क्लिक करो, क्लिक फॉर मोर इन्फो ऑन थीम कलर ऑप्शन इन योर मैनिफेस्ट। अब आप क्लिक करेंगे ना जब यहाँ, तो आपको कहाँ पे लेकर गया उठा के, MDN के जो मोज़िला वालों की डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ ले गया। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं कि थीम कलर क्या होता है और इसको चेंज करने से क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो इसकी स्क्रीन पे जितनी चीज़ें थी वो मैंने फिल कर दी, कुछ चीज़ों पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है ये लिखना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों पे रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है वो लिखना ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियस बात है ये। अब मैं क्या करूँगा, सेटिंग, नेक्स्ट। सेटिंग के बाद देखो ये स्टार्ट URL डायरेक्टरी स्कोप लैंग्वेज, सही है। अब स्टार्ट URL क्या चीज़ है, कैसे पता चलेगा, द URL दैट लोड व्हेन योर PWA स्टार्ट्स, आपकी ऐप का जो URL है। मेरी ऐप का URL क्या है, ये रहा, सही है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, भाई डॉट लगा हुआ था पहले से, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं यहाँ क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना, डॉट हटा देना, ठीक है। डॉट का मतलब होता है ये वाला फोल्डर, ठीक है, डॉट रखेंगे तो भी सही चलता रहता है। तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी कन्फिग्रेशन होती है जो आप चेंज कर सकते हैं इसकी। अच्छा, स्कोप है, ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन क्या होता है कि डिवाइस लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में, अगर आपने लैंडस्केप कर दिया तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट ऐप खुलती लैंडस्केप में, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन हैं, मैं फ़िलहाल इनको छोड़ देता हूँ, आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म में। आइकन जो है वो ज़रूरी है, तो हम ज़रा जल्दी से जहाँ पर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ऑप्शन को फिल करें, आप उसको कुछ ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, कैटेगरी क्या है आपकी एप्लीकेशन की, क्या ये गेम है या कोई ये गवर्नमेंट की ऐप है या कोई हेल्थ की ऐप है, तो हमारी ऐप कौन सी कैटेगरी में जाती है, शायद शॉपिंग में जाती है, सही है, हाँ शॉपिंग ही है, सोशल नहीं है, ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स तो शॉपिंग होता है, ठीक है भाई। बस उसके बाद हम आ गए आइकन में। अब आइकन ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आइकन आपको एक साइज़ में नहीं चाहिए होता, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आपको ये चाहिए होता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, फ़ोटोशॉप से जाके अलग अलग जनरेट करेंगे, या तो बहुत सारे ऑनलाइन जनरेटर्स भी हैं, आप एक साइज़ देते हैं अलग अलग साइज़ दे देते हैं, ये भी वही सेम काम करता है। तो मैं यहाँ से एक अपलोड करता हूँ आइकन, कौन सा आइकन अपलोड करता हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, तो वही ढूंढ लेते हैं गूगल से, आइकॉन PNG लिखा मैंने, तो कोई भी रैंडम आइकन मेरे पास आ जाएगा, मैं वही इस पर लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई ये वाला आइकन है, नहीं ये वाला नहीं, स्क्वायर चाहिए होगा हमें एक्चुअली ना, स्क्वायर में ना फिर वो जनरेट करने में उसको आसानी, क्योंकि वो क्रॉप क्रॉप करके जनरेट करता है असल में। शॉपिंग भी लिख देता हूँ साथ में, ताकि वो कुछ शॉपिंग जैसा आ जाए। कौन सा वाला, ये वाला कर देते हैं, सही है, ये आइकन है हमारा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है वैसे, लेकिन चलो ठीक है, इसको मैंने सेव किया अपने डेस्कटॉप पे, और सेव करने के बाद मैंने इधर आके मैंने बोला अपलोड, और अपलोड करके, अच्छा ये देखो तीन इमेजेस दिखा रहा है ना, जो ये तीन इमेजेस पहले से मेरे मैनिफेस्ट में है, समझ रहे हो। अच्छा कैसे है, दिखा देता हूँ इधर, ये देख रहे हो आइकन्स, इसी तरह की फाइल बनेगी एट द एंड, इसी तरह की फाइल बनेगी। अच्छा देखो, इस फाइल में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ नेम, शॉर्ट नेम, आइकन, तो दैट्स इट। मतलब अगर आप सारे ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, आप बिला वजह सब फिल करें, ठीक है, जो आपको लगे कि ज़रूरी है वही आप फिल करें, बाकी को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आइकन पड़ा हुआ है वो वाला, ये देख रहे हो, दो आइकन पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो पाथ जो लगाया हुआ है ना आइकन का, ये देख रहे हो SRC में लोगो 512.png, वो ये पड़ा हुआ है लोगो 512.png, ठीक है। तो आपको वो इमेज भी चाहिए और ये फाइल भी चाहिए। अब देखो ये करता गया है, अपलोड का बटन दबाया, मैं डेस्कटॉप पे गया, ये इमेज उठाई मैंने यहाँ से, और इमेज उठाने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि विंडोज़ के और एंड्रॉयड के और iOS के मैं तीनों जनरेट कर दूँ। मैंने कहा तीनों पे चेक लगाया और जनरेट का बटन दबा दिया, ठीक है। जनरेट का बटन दबाने से देखो होगा क्या, वो एग्जिप फाइल मुझे देगा जिसमें तमाम के तमाम आइकन जनरेट वो कर चुका होगा। ये आ गया भाई ऐप इमेजेस डॉट जिप, इसको खोल के देखते हैं अब क्या बना के दिया।
ऐप इमेजेस डॉट जिप में ना ये मुझे इसने बना के दिए, ये तीन फोल्डर बना के दिए और एक आइकन्स डॉट जेसन बना के दिए। इस आइकन डॉट जेसन के अंदर ना मैनिफेस्ट का पार्ट है, ये मैंने कट करके मैनिफेस्ट में पेस्ट करना है अल्टीमेटली बाद में। एंड्रॉइड पे जाता हूँ ये सारे एंड्रॉइड के आ गए, आईओएस पे जाता हूँ ये सारे आ गए, ठीक है। आईओएस के अंदर जितने मुख्तलिफ साइजेस उसको रिक्वायर्ड थे वो सब उसने बना दिए, ठीक है। विंडोज़ में और भी ज़्यादा सही है, 512 साइज का भी चाहिए उसको। वेल तो ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों को उठा के यहाँ से ड्रैग करके अपने पब्लिक के फोल्डर में ले जाके छोड़ देना, ठीक है। पब्लिक के फोल्डर में ले जाके मैंने छोड़ दिया, ठीक हो गया। जो देखो नए अभी आइटम्स मैंने छोड़े वो ग्रीन हुए हैं क्योंकि गिट की वजह से। अब आगे क्या करना है ये, अच्छा किसी भी पॉइंट पे मैं डाउनलोड मैनिफेस्ट दबाऊंगा ना तो जेसन मुझे वो मैनिफेस्ट की बना के दे देगा, वो भी मैंने अपनी ऐप में लगा दी है। वेल मैं आगे देख लेता हूँ स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट्स जो है ना, जनरेट स्क्रीनशॉट एंड दैट दैट दैट। अच्छा ये कह रहा है कि आप ना मुझे अपने ऐप का यूआरएल दो और ओके का बटन दबाओ। मैं क्या करूँगा उस ऐप को ओपन करूँगा, उसके स्क्रीनशॉट लेके और आपको इमेज ला के दे दूँगा। सो ये तो इस तरह का कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है और स्पेसिफाई द यूआरएल टू जनरेट द डेस्कटॉप एंड मोबाइल स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम यू माइट ऐड टू द 8 स्क्रीनशॉट ऑफ द स्कोर। सही तो है, इसमें ये जनरेट का बटन क्यों नहीं इनेबल हो रहा। अच्छा अब हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया मैंने तो इनेबल हो गया। तो देखते हैं कि ये कैसा काम करता है, जनरेट का बटन दबा के देख लेते हैं। वैसे तो हमारे स्क्रीन एक ही पेज है अभी तक, है क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो सम टाइम ये नहीं इसको पता चल रहा। खैर लास्ट में सबसे है कोड, जो कुछ भी मैंने अभी तक पीछे चेंजेस किए वो उसका कोड पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो चुका है, बन के सामने मेरे आ चुका है, ठीक है। आइकन्स जो थे वो लगे हुए थे, मतलब यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया आइकन को, जस्ट मैंने क्या किया जनरेट किया तो वो मुझे जनरेट करके अलग से उसने दिया। तो ये वाला कोड मैं पूरा क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, डाउनलोड भी कर सकता था लेकिन बस डायरेक्ट कॉपी हो रहा है तो डायरेक्ट कर लेता। कॉपी करने के बाद मैं अपने मैनिफेस्ट में आऊँगा और अपने मैनिफेस्ट में आके क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे वो वाला कोड पूरा का पूरा पेस्ट कर दूंगा जो मैंने अभी अभी वहाँ से बनाया है। अच्छा उसके बाद क्या करूँगा, ये जो आइकन्स है ना मेरे ये वाले, इसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या रखने लगे, अब जो मुझे जेसन उसने दिया था आइकन वाला, आइकन्स डॉट जेसन में जाता हूँ मैं और ये आइकन को यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैनिफेस्ट में लाके ये आइकन मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। और वो आइकन डॉट जेसन की फाइल भी मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, उसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है डिलीट कर दूंगा। हेलो अच्छा तो ये मेरा मैनिफेस्ट जो है ना ये क्या हो गया, तैयार हो गया। अब मैंने सिंपल सा एक काम क्या करना है, npm run build चलाना है, तो इस मैनिफेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो मेरे बिल्ड के फोल्डर में भी आ जाएगा। और मैंने जब दोबारा डिप्लॉय करके जब उसको एनालाइज करना है ना तो वो मुझे कहेगा कि मैनिफेस्ट आपका क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। कंप्लीट नहीं मतलब जितना भी कंप्लीट है वो बोलेगा कि हाँ भाई इतना है, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा से डिप्लॉय करने की कोशिश की है, ठीक है जी डिप्लॉय हो रहा है ये दोबारा से। ठीक है डिप्लॉय हो गया। मुझे वैसे विजुअली तो कोई भी इसमें चेंजेस नज़र नहीं आएंगी क्योंकि मैंने कोई चेंज ही नहीं किया इसमें, वैसे विजुअली मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये मैनिफेस्ट में गूगल क्रोम के डेवलपर ऑप्शन में भी देख सकता हूँ, कहाँ जाके देखूँगा मैं, ये देखो ये नेटवर्क है, इसके बाद ये लास्ट में एक
एप्लीकेशन है, ये रहा कंसोल के पड़ोस में ही एक एप्लीकेशन के नाम से ऑप्शन है, इसमें जाऊंगा, यहाँ पे मैनिफेस्ट पे जब क्लिक करूंगा ना मैं, तो मुझे यहाँ पे ये सारे आइकन देखो ये दिखा रहा है कि ये सारे आइकन क्या हो चुके हैं आपकी मैनिफेस्ट में लग चुके हैं और ये मैनिफेस्ट कैसे हो जाता है। सही है, इधर आके मैं क्या करूँगा, ये यू आर एल मैं अपना दोबारा इसको दूंगा, यानी इस पेज को रिफ्रेश करूँगा बेसिकली। इस पेज को जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा, वो उसको दोबारा से एनालाइज करेगा और होपफुली इस दफ़ा वो बताएगा कि मैनिफेस्ट आपका ओके है। ठीक है, अच्छा इसके ख्याल में अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं 14 out of 26, लेकिन मेन मेन जो चीज़ें थी आइकन वाइकन नेम शॉर्ट नेम वगैरह वो हमने सेट कर लिए। अब आप इस मैनिफेस्ट में जो मज़ीद चीज़ें जिसको मैंने छेड़छाड़ नहीं की है उसको आप पढ़ सकते हैं एक एक पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके, और उसको आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सर्विस वर्कर रह गया लास्ट हमारा। अच्छा, ये मैनिफेस्ट में मुझे बता भी रहा है कि क्या क्या चीज़ों में ग्रीन टिक लगा हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं है, वो भी मुझे बता रहा है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। राइट, अच्छा सर्विस वर्कर के अंदर ये कह रहा है कि सर्विस वर्कर है ही नहीं आपके पास, तो जनरेट सर्विस वर्कर फाइल का एक बटन आ रहा है यहाँ, सर्च पे डिप्लॉय करनी है, सिर्फ सर्च। ओके, अच्छा तो मैं जनरेट सर्विस वर्कर पे जब क्लिक करता हूँ तो इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ पहले से, क्योंकि ये काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट कोड है जो सर्विस वर्कर है ना, वो काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं लोग, लेकिन आमतौर पर उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक हमारे पास है ऑफलाइन पेजेस विथ कॉपी ऑफ पेजेस, एक ये वाला है, और एक हमारे पास है ऑफलाइन कॉपी विथ बैकअप ऑफलाइन पेजेस। ये तीन तरह के पेजेस होते हैं एक्चुअली। PWA वाली ये एप्लीकेशन जो होती है ना, उसमें अगर इंटरनेट नहीं भी होता और आप रिफ्रेश करते हैं तो वो पेजेस को दोबारा लोड कर लेता है, जैसे कि जीमेल में अगर आप gmail.com जो भी होता है उसका URL, अगर इंटरनेट बंद हो चुका है आप रिफ्रेश करेंगे ना तो वो दोबारा आपको ईमेल दिखा देता है आपकी, हालांकि इंटरनेट मौजूद नहीं है, पेज लोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ये मैंने मेल ओपन की, अब ये इस वक्त इंटरनेट कनेक्टेड है मेरा, अब मैं जैसे ही वाईफाई बंद करूँगा तो मगर ये भी बंद हो जाएगा, मैं यहाँ से ऑफलाइन कर देता हूँ इसको, डेवलपर ऑप्शन से भी तो हो जाता है। डेवलपर ऑप्शन से मैं नेटवर्क में गया और नेटवर्क में जाके मैंने इसको बोला कि भाई ऑफलाइन, तो ये ना रिफ्रेश हो जाएगा। वो इसलिए रिफ्रेश हो जाएगा क्योंकि ये PWA है और इसमें सर्विस वर्कर कौन सा लगा हुआ है, ऑफलाइन पेजेस वाला, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ना ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट बंद है इसका, इस टैब का, उसके बावजूद रिफ्रेश हो गया। आप घर जाके वाईफाई बकायदा बंद करके भी चेक कर लेना, ये हो जाता है। जितनी भी PWA वाली एप्लीकेशन है सब में हो जाएगा ये। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि इन्होंने कौन सा वाला यहाँ पे वो लगाया हुआ है, सर्विस वर्कर कौन सा वाला लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इनके पास ना एक और भी ऑप्शन आता था, उसमें ये फीचर्स पे चेक 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 लगाते थे कि यार ये वाला फ़ीचर चाहिए, ये वाला फ़ीचर चाहिए, ये वाला, तो फिर उसमें वो ज़्यादा सही था। ये पता नहीं वो वाला क्यों नहीं दिख रहा मुझे, टू मेक ए बिल्ड ऑफलाइन एक्सपीरियंस इजी, बस तो फिलहाल के लिए मैं यही ऑनलाइन वाला करता हूँ, पता नहीं क्या डाउनलोड सर्विस वर्कर। अच्छा, तो ये सर्विस वर्कर को जैसे ही मैंने डाउनलोड किया ना तो मुझे इसने फाइल दे दी है, और इस फाइल को मैंने कहाँ पे प्लेस करना है, इस फाइल को मैंने वहीं पे प्लेस करना है पब्लिक वाले फोल्डर में, और ठीक है पब्लिक वाले फोल्डर में मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब इसको मैंने क्या करना है अपने ये एरर क्यों दे रहा है भाई, अच्छा तो इसको मैंने क्या करना है अपने index.html की फाइल से ना इसको कनेक्ट करना है, अपने index.html की फाइल पे इसको क्या करना है, बताना है मुझे कि ये वाला सर्विस वर्कर का फाइल है इसको चला दो। कैसे चलेगा ये, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है देखो रजिस्टर योर सर्विस वर्कर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये स्क्रिप्ट दे रहा है छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी कि भाई ये ऐसे करके रजिस्टर होगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ स्क्रिप्ट को,
और स्क्रिप्ट को कॉपी करके मैं अपने index.html की जो फाइल है ना, इसमें आके इसके हेड में लगा सकता हूँ, नीचे भी लगा सकता हूँ, एक ही बात है। वैसे मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि उसको नीचे लगा दें, ठीक है, बॉडी के लास्ट में इसको मैंने लगा दिया, ठीक है। sw.js, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखना, देखो डॉक्यूमेंटेशन में इसने फाइल का नाम बताया sw.js, लेकिन जो फाइल डाउनलोड हुई है ना उसका नाम है क्या, pwabuilder.dash, तो इसको sw दोनों नाम सेम होना चाहिए वरना उसको फिर मिलेगा नहीं। तो मैंने उसको sw.js कर दिया और index.html में भी इसका नाम sw.js रखा गया है, ठीक है। एरर लेकिन क्यों दे रहा है यार ये, इम्पोर्ट स्क्रिप्ट, दूसरा वाला कर लेते हैं डाउनलोड अगर ये ख़राब है तो। नहीं, इम्पोर्ट स्क्रिप्ट सब में ही लिखा हुआ है, इम्पोर्ट स्क्रिप्ट तो सब में लिखा हुआ है। सही है, वेल वो इनका रेडीमेड है तो सही होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी है, वो मे भी मेरे पास कोई एक्सटेंशन एक्सटेंशन डाला हुआ है पीछे वैलिडेशन का, उसकी वजह से वो एरर आ रहा है। तो फिलहाल जो जैसे उसने दिया है वैसे ही इसको हम क्या करते हैं, npm run build, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो बिल्ड के फोल्डर में आ जाए और फिर इसको सर्च पे डिप्लॉय करके दोबारा से एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि इंस्टॉल वाला बटन आया कि नहीं आया। इंस्टॉल वाला बटन आ जाना चाहिए इसको लगने के बाद। हाँ ठीक है, मैंने दोबारा से इसको डिप्लॉय कर दिया और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, एमटी कैश हार्ड रीलोड, ताकि पुरानी सारी बातें ये भूल जाए, ठीक है। अच्छा जहाँ पे देखो मैंने गूगल क्रोम में एप्लीकेशंस वाला साइट खोली थी ना, इसमें नीचे सर्विस वर्कर भी एक आ रहा है, ठीक है, सर्विस वर्कर, इसको sw.js मिल भी गया है लेकिन ये फेल हुआ है, एरर कनेक्शन। ओ इसका मैंने इंटरनेट बंद किया हुआ है ना, इंटरनेट तो उसका खोल दूँ, नो थ्रॉटलिंग और डिसेबल केशन को भी रोक दूँगा, इस टैब का मैंने इंटरनेट बंद किया था ना इसलिए इसको वो मिला ही नहीं। ये पता है क्या हुआ है, वो जो मैंने डॉट लगाया था ना उसकी वजह से वो उस फोल्डर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, उस डॉट को मुझे हटाना पड़ेगा शायद। सर्विस वर्कर डॉट जेएस जेएस जेएस, अच्छा वो शो तो कर रहा है कि दो एरर है लेकिन उस पर क्लिक करने से वो मुझे ले जा नहीं रहा वहाँ पे कि एरर है क्या एक्चुअली। वो मुझे वहाँ पे लेके नहीं जा रहा कि एरर में एरर का मैसेज क्या है, ये नहीं बता रहा मुझे। वेल अब हम PWA बिल्डर को आके रिफ्रेश करते हैं कि ये क्या कह रहा है, कोई ना कोई मसला है भाई साहब उसके अंदर ना, वो चल नहीं रहा सही। हेलो
हाँ निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। अच्छा, अब ये PWA बिल्डर ना मेरे सर्विस वर्कर की फ़ाइल को एनालाइज करने के बाद ये कह रहा है कि सर्विस वर्कर की फ़ाइल है तो सही, लेकिन ये डज नॉट वर्क ऑन ऑफलाइन, क्योंकि उसमें एरर है, उस फाइल के अंदर वो चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या एरर है। तो हम ज़रा एक दफ़ा और डाउनलोड करते हैं उसको। ऑफलाइन पेज, कॉपी ऑफ पेजेस, ऑफलाइन पेज, यार सही तो है, मुझे यही वाला चाहिए। यही वाला मुझे चाहिए एक्चुअल में। मेरे पास ना जो एरर आ रहा है वो इम्पोर्ट स्क्रिप्ट के उस पर आ रहा है। ये इम्पोर्ट स्क्रिप्ट पे ये क्या कह रहा है ज़रा देख लेते हैं। इम्पोर्ट स्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड। इम्पोर्ट स्क्रिप्ट इसको क्यों नहीं पता चल रहा है कि नॉट डिफाइंड। अच्छा, सेल्फ पे भी ये बार बार एरर दे रहा है कि सेल्फ क्या चीज़ है इसको नहीं पता चल रहा। अच्छा, ES lint मुझे ये दे रहा है, तो अगर मैं ES lint को हटा दूँ, बंद कर दूँ अगर थोड़ी देर के लिए, तो ये एरर ख़त्म हो जाने चाहिए। नहीं, वो ES lint मेरे पास एक्सटेंशन डाला हुआ है ना, ये रहा, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, रीलोड रिक्वायर्ड। तो मैंने उस एक्सटेंशन को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दिया। अब ज़रा देखता हूँ मैं कि क्या अभी भी कुछ एरर मुझे दिखा रहा है। ये अभी तो बिल्कुल सही है। इम्पोर्ट स्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड, अगर मैं ऐसे करके इसको गूगल करूँ, अनकॉच रेफरेंस एरर डज नॉट डिफाइन दिस दिस दिस। अच्छा, एक काम मैं और भी कर सकता हूँ कि जो ये अभी इंटरनेट से डाउनलोड होती है ना ये फाइल, मैं इसको अपने पास ही रख लूँ डाउनलोड करके, इसको जाके मैं अपने पास भी डाउनलोड करिए। URL मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, ये फ़ाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई, मैंने इसको सेव कर लिया फ़ाइल को, और फ़ाइल को सेव करके इसको मैंने फाइंडर में खोला। वही हट गया, ठीक है, वर्क बॉक्स XW है ना ये। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसका ये लोकल URL इसको दे सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको इंटरनेट से URL दूँ, मैंने कहा .slash और वर्क बॉक्स SW.js। ठीक है, .js लगेगा ना इसमें, इस बंदे ने क्या बताया, हाँ .js लगेगा। ये मैंने अभी डाउनलोड किया, वो जो URL यहाँ लिखा हुआ था ना, उससे मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, वैसे तो इसमें कोई मुझे एरर नज़र नहीं आ रहा। ये तीन तरह के देखो एड लिसनर होते हैं, ये इंस्टॉल वाला लिसनर होता है ना, इससे इंस्टॉल का बटन आता है, मैसेज वाला लिसनर है, इससे नोटिफिकेशन आती है, सही है, और ये फैच वाला होता है, ये पेज को कैशे करता है, तो सही है, बिल्कुल ओके। वैसे तो उसमें बज़ाहिर कोई मसला नहीं है। इसको मैं एक दफ़ा से और क्या करता हूँ, NPM रन बिल्ड चलाता हूँ इसका। और इसको मैं फिर सर्च कर देता हूँ, और सर्च में मैं ये वाला URL है इसका, इसी URL पे इसको डालना है मैंने। ठीक है, बिल्ड और ठीक है, डिप्लॉय हो गया ये सक्सेसफुली।
नहीं यार इसमें कोई एरर आ रहा है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। सर्वर से, सर्वर के स्टार्ट होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो पेज लोड होते ही जो गेट करता है ना वो। अच्छा sw.1 पे ये बता रहा है ना, अब एरर बता रहा है, पहले नहीं बता रहा था। कह रहा है कि फेल टू एग्जीक्यूट ऐड ऑन केशे, रिक्वेस्ट फेल्ड। लाइन नंबर 1 में ये बता रहा है, कौन सी फाइल के, sw.js के लाइन नंबर 1 में बता रहा है। sw.js का लाइन नंबर 1 कहाँ है, अच्छा लाइन नंबर 1 में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो एक्चुअली बिल्ड के फोल्डर में जाने के बाद वो सब का सब एक लाइन में हो जाता है ना, तो इसलिए कह रहा है, तो इसलिए ये कह रहा है एक्चुअली। तो मैं इसको ज़रा, अच्छा क्या उसने बोला था, ज़रा एक दफ़ा और पढ़ते हैं। फेल टू एग्जीक्यूट ऐड ऑन केशे, केशे के ऊपर कहीं पर डॉट ऐड लगा हुआ है, तो डॉट ऐड देखते हैं कहाँ कहाँ लगा हुआ है। केशे, ओपन केशे, ओपन केशे, इस एरर को चलो गूगल कर लेते हैं। अलग से गूगल कर लेते हैं क्योंकि उनका रेडीमेड लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो कोई ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम हुआ है, मतलब उन्होंने गलत ही लिख दिया सीधा सीधा। अच्छा ये किसी ने बोला है कि भाई अगर आपका जो जितने भी रिस्पॉन्सेज है ना, अगर उनमें से कोई भी अगर 400 या 404 दे रहा है तो उसकी वजह से ये एरर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं लोग, मेरे पास वो पेज लोड होते ही क्या करता है, रिक्वेस्ट मारता है जो 404 आ रही है, तो मैं उस पेज लोड होते ही जो रिक्वेस्ट लगती है ना उसको रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो उसको लगे कि मतलब सही है सब कुछ, ओके है, उसको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ है इसमें, ये पेज लोड होती ही जो कर रहा है ना ये रिक्वेस्ट मार रहा है, वो उसको समझ आ रहा है कि यार कुछ मसला है, ये यूज़ इफेक्ट है ना हमारा, इस यूज़ इफेक्ट को मैं रोक देता हूँ, ठीक है, कि पेज लोड होते ही कुछ भी ना करेगी। और अब इसको दोबारा से npm run बिल्ड करते हैं, सर्च, मैंने क्या करना है, इधर सर्विस वर्कर में आके अनरजिस्टर करना है तमाम सर्विस वर्कर को, और इसको हार्ड रीलोड करना है ताकि ये पुरानी चीज़ों को भूल के नए सिरे से चीज़ों को लोड करें। अच्छा भाई ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, इसको हमें काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं फिर कि ये क्या चक्कर है, ठीक है। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, जितना मैंने करवाया है इतना आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जिस तरह ये PWA बिल्डर है ना, ये सर्विस वर्कर बना के दे रहा है, ऐसे रेडीमेड सर्विस वर्कर बहुत लोगों ने बना बना के रखे हुए हैं इंटरनेट पे, तो उनमें से किसी का लगा के देख लेना, होपफुली वो चल जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो सर्विस वर्कर फिलहाल लिखा हुआ है वो गड़बड़ कर रहा है, कोई मसला कर रहा है, ठीक है। वैसे ही गूगल पे जाके लिखोगे ना सर्विस वर्कर फाइल फॉर ऑफलाइन पेजेस, तो वो बहुत सारे आ जाएंगे, गिटहब में भी लोगों ने डाल डाल के रखा हुआ है, राइट।
ठीक हो गया जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, ठीक है? अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, अभी आप लोगों ने बैठ के इसको करके देखना है। इतने नहीं आ रहा वो सर्विस वर्कर में कोई एरर है और वो मेरे अभी समझ नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। या आप लोगों में से भी कोई मुझे बता सकता है नेक्स्ट क्लास में कि सर वो ये मसला था इसकी वजह से हो रहा था और वो ठीक हो गया, ठीक है? चलो, नहीं आ रहा ना, मेरे पास नहीं आ रहा, तुम्हारे पास आ रहा है? वो शेयर का बटन है, ये वाला नहीं है।